नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। मुख्यमंत्री के जनता के दरबार में आज ग्रामीण विकास और ग्रामीण से जुड़े हुए यानी उद्योग से भी जुड़े हुए मामले की सुनवाई हो रही है। इसी क्रम में हमारे साथ पूर्णिया से एक आदमी आए हैं और इनका क्या कुछ फरियाद लेकर के पहुँचे हैं सीएम मुख्यमंत्री के जनता के दरबार में। सर, क्या आपका कोई समस्या है? एक्चुअली पूर्णिया के गुलाबबाग में 2010 में एक बहुत बड़े जल मीनार का निर्माण हुआ था। क्योंकि पूर्णिया का जो पानी है वो काला पानी के नाम से जाना जाता है, बहुत ही आयरन युक्त पानी है। तो 10 वर्ष से जो लगभग 11 वर्ष हो गए वो जल मीनार बंद पड़ा हुआ था। हम लोग लगातार उसके लिए पूरे गुलाबबाग के लोग प्रेशर थे कि इसको चालू करवाया जाए। 2017 में इसको लेकर के हम लोगों ने वहाँ तत्कालीन उस समय के जो जिलाधिकारी थे उनसे मिला। मिलने के बाद हम लोगों ने सारी बात बताई तो उस समय हम लोग को मालूम चला कि भाई ये नगर निगम और पीएचडी के विभाग का मामला है, बीच का मामला है। उस दोनों मामले को सॉर्ट आउट करने के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि ना कि भाई जल मीनार अब चालू हो जाएगा। फिर 18 में मिले तो मालूम चला कि लीकेज का प्रॉब्लम है। फिर 19 में मिले तो मालूम चला अभी तक लीकेज का प्रॉब्लम ही है। फिर 20 में हम लोगों ने जिला लोक शिकायत में हम लोगों ने अपील की, वहाँ भी मालूम चला लीकेज का प्रॉब्लम है। मतलब 11 सालों के दौरान पीएचडी विभाग और नगर निगम मिल करके उस लीकेज का प्रॉब्लम को सुधार नहीं पाया। आखिरी में थक हार कर हमको जो है मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आना पड़ा। आज मुख्यमंत्री ने तत्काल तुरंत ही जो है उस पीएचडी विभाग के मंत्री को फ़ोन लगा करके और तुरंत इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। विभाग के मंत्री ने भी तुरंत मेरा नंबर लिया और जो है पूर्णिया के जो है उस विभाग के लोगों को फ़ोन किया और कहा कि तुरंत जल्द से जल्द जल मीनार को चालू करवाया जाए। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये काम पूरा हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इस पर एक्शन लिया है उससे ये लगता है कि ना कि अब गुलाबबाग के लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। लगातार इस तरीके के पूर्णिया से मामले सामने आते हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी विभाग के तरफ से ही कुछ वैसे चूक हो जाती है जिसके कारण से लोगों की कठिनाई झेलनी पड़ती है? बिल्कुल, विभाग जो है सोया हुआ है। पीएचडी का जो विभाग है, नगर निगम, सोया हुआ है। सिर्फ गुलाबबाग का ही मामला नहीं है, पूर्णिया में भी बहुत जल मीनार बने वो सब भी बंद पड़े हुए हैं। और हमको लगता है कि ना कि आज जो मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है उससे लगता है कि और भी जल मीनार जो है, जो बंद पड़े जल मीनार है, उसको चालू होने का जो आशा है वो जगा है लोगों में। क्या इस मामले को लेकर के पहले कभी आप तारकिशोर प्रसाद से मिले थे या नहीं, डिप्टी सीएम है? नहीं मैंने तो उप मुख्यमंत्री से नहीं मिला, लेकिन जो है मैं जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको 2018 में ईमेल किया था। उस ईमेल के जवाब में भी मुख्यमंत्री जी का पत्र आया था और उस समय भी पीएचडी विभाग हरकत में आया था और कहीं कहीं गड्ढा खोदना शुरू किया था। उसके बाद फिर वो जो है धीरे धीरे फिर वो जो है कार्रवाई बंद कर दी गई थी। आज खुश हैं मिल करके कि हाँ बिल्कुल खुश हैं जो है हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि देखिए ये एक्चुअली हम लोग को पानी खरीद कर पीना पड़ता है। मतलब 10 साल पहले उस समय हमारी उम्र तो 22 साल की थी, आज हमारी उम्र 33 साल की हो गई है। पहले मेरी माँ जो है कपड़ा धोने के लिए फिटकरी और चूने का इस्तेमाल करती थी, आज मेरी पत्नी करती है। अड़ोस पड़ोस में भी देखता हूँ कि जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जो महिलाएँ, वो भी जो है फिटकरी और चूने से इस्तेमाल करके जो है साफ पानी करती है, तब कपड़ा धोती है, हाथ खराब हो जाता है। अब आशा जगी है कि कम से कम जो है मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद गुलाबबाग के लोगों को पानी शुद्ध मिलेगा। बिल्कुल, तो आप सुने थे कि क्या कुछ कह रहे थे भरत जी, ये पूर्णिया के रहने वाले हैं और पूर्णिया से अपने फरियाद को लेकर के आज मुख्यमंत्री के जनता के दरबार में शामिल हुए। और साफ तौर से इनका कहना है कि वहाँ जो काला पानी उनके जो पानी यूज़ किया जाता है खास करके नहाने में खाने में, वो पानी जो है वो काला हो जाता था। इन समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री से मिले हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि आपके काम हो जाएगा। इसका और बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही साथ न्यूज फाउंडेशन के फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।